हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। मैं हूं प्रिंस, नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यहां पर आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बारे में कि आरआरसी का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसे कैसे क्लियर करते हैं, और दोस्तों कौन सी सबसे बेस्ट बुक उसके लिए रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुक अवेलेबल है, लेकिन आप सभी के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो कौन सी रहने वाली है आपके स्टडी प्लान के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या दोस्तों आपका सेकंड अटेम्प्ट हो, बिल्कुल दोस्तों सभी के लिए एक सबसे बेस्ट बुक मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों आपको इसी बुक से नजर आएंगे, सिर्फ एक ही बुक काफ़ी है अगर दोस्तों आप यहाँ पर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो। जी हाँ दोस्तों, सिंपल तरीके से बताऊंगा दोस्तों, और आप में से ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देखकर उस बुक को परचेस करेंगे, लेकिन दोस्तों मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और दोस्तों आप सभी को बता दूँ, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और हमारे एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आप में से किसी एक स्टूडेंट को वो बुक बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वो कौन सी बुक है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भारी बुक है दोस्तों मेरे पास। ये देखिए भाई, कितनी मोटी बुक है, ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों वो बुक। ठीक है, आपको शायद ये बिल्कुल सही नज़र आ रही होगी। देखिए दोस्तों, बुक है ये है दोस्तों किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की ये बुक है। थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए बुक। ठीक है, देखिए दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ये है दोस्तों बुक। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किरण पब्लिकेशन की बुक है भाई, जो कि अपने आप में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों बुक के लिए। ठीक है, जिसमें एसएससी की बुक भी आती है, आप सभी जानते हैं एसएससी किरण की बुक जो सबसे बेस्ट होती है। इसमें दोस्तों ओनली रेलवे के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जितने भी दोस्तों 1990, देखिए दोस्तों यह लिखा गया है कि देखिए इसमें लिखा क्या गया है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ऊपर। देखिए इसमें लिखा गया है दोस्तों 1996 से अब तक के दोस्तों जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए। जी हाँ दोस्तों, और देखिए इसमें लिखा है रेलवे ऑल एग्जाम, जितने भी एग्जाम हुए हैं, जिसमें दोस्तों नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, टेक्निकल एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, या आरपीएफ हो, या यहाँ पर दोस्तों आरपीएसएफ हो। ठीक है, सारे दोस्तों जितने भी इसमें एग्जाम हुए हैं 1996 से लेकर अब तक, सारे एग्जाम के इसमें दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, ओनली दोस्तों ये जो बुक है मैथमेटिक के लिए रहने वाली है, मैथमेटिक की बुक है। और देखिए दोस्तों 9700+ इसमें क्वेश्चन रहने वाले। ठीक है, और दोस्तों देखिए मैं इसका आपको आगे भी दिखाने वाला हूँ कि इसमें बुक में क्या क्या आपको दिया गया है। ठीक है, बुक तो आपने देख ली भाई यहाँ पर। ठीक है, सिंपल तरीके से बुक आपके सामने आ गई है, और मैं आपको अब आगे दिखा देता हूँ इसमें लिखा क्या है। इसका सबसे पहले दोस्तों आप प्राइस भी देख सकते हैं कितना प्राइस रहने वाला है, 495 रुपये प्राइस है। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे लिंक से परचेज करते हैं बुक को, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आपको ये बुक काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी और आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इस गणित के बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं। देखिए दोस्तों टाइप वाइज इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी जैसे संख्या पद्धति है, यानी नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम की इसमें दोस्तों कम से कम मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो टाइप मिल रहे हैं वो दोस्तों 7 टाइप मिल रहे हैं, और हर टाइप में दोस्तों कम से कम आपको यहाँ पर किसी में 200% है, किसी में 250% है, और किसी में दोस्तों 55% है, किसी में 20% है। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन मिल रहे हैं, और उसमें लिखा गया है कि भाई ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है और कब आया हुआ है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन के नीचे लिखा गया है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। और देखिए दोस्तों यहाँ साइड में लिखा गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी इसका मतलब ये है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है, सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें दोस्तों ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की, तो रेलवे ग्रुप डी भी दोस्तों इसमें दिया गया है, ऊपर आप देख पाएंगे तो सारे एग्जाम दिए गए हैं। अगर आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं दोस्तों, ग्रुप डी के साथ साथ आरपीएफ का एग्जाम हो, आरपीएसएफ का एग्जाम हो, नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल हो, सबके दोस्तों इसमें यहाँ पर जो एप्टीट्यूड है ये सब आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन टाइप वाइज। देखिए दोस्तों क्वेश्चन भी आपको टाइप वाइज नजर आ जाएंगे, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, यहाँ पर सरलीकरण देख लीजिए। ठीक है, सरलीकरण आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो टाइप वाइज नज़र आ जाएंगे। देखिए दोस्तों साइड में आपको यहाँ पर जो है वो नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, टाइप वाइज है, हर क्वेश्चन में कितने टाइप दिए गए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर सटीक तरीके से। ये देखिए दोस्तों टाइप वाइज, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, ये इस तरीके से दिए गए हैं, और आपने यहाँ पर देख लिया है। अब दोस्तों इस बुक को कैसे परचेज कर पाएंगे, इसका
क्या बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप में से किसी एक स्टूडेंट को ये बुक दोस्तों मिलने वाली है, ठीक है, ये बुक मिलने वाली है बिल्कुल फ्री में। कैसे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछिएगा और दोस्तों सबसे पहले बुक उसी को मिलेगी जो ये काम करेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस बुक, इस जो ये वीडियो है, इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करना है अपने 10 दोस्तों में। रियलिटी बता रहा हूँ, मैं पहले भी दोस्तों मैंने बुक का प्रमोशन किया था, वो बुक दोस्तों में भेज चुका हूँ एक स्टूडेंट को, उसका वीडियो जल्दी आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले 10 दोस्तों को शेयर करना है, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये काम करने के बाद जो भी इसका सबसे पहले आंसर देगा, ठीक है, उसको ये बुक बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन इसी बुक से पूछूंगा भाई, कहीं बाहर से नहीं पूछ रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। इसी बुक से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं आपको, तो उसका राइट आंसर मुझे दीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, और क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 2760 है एवं बृहत्तर संख्या क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का अंतर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा इसको कर देगा, बस लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज जिसने समझ ली कि वो इस क्वेश्चन को कर देगा। ऑप्शन किसी को नहीं मिलेंगे, बिना ऑप्शन करना है, क्योंकि तुक्का सब लोग लगा देते हैं, फिर बिना ऑप्शन के दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, साइड में नीचे लिखा रहा है आपको कि दो संख्याओं का योगफल 2760 है एवं बृहत्तर संख्या क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का अंतर है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, अगर आप अर्क करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं अपना एड्रेस, उसमें घेर उसमें डाल दीजिएगा, मैं खुद आपसे पूछूंगा कि आपका एड्रेस क्या है, और आपके एड्रेस तक ये बुक आपको सीमित पहुंच जाएगी। बुक दोस्तों देखिए, बुक का अगर आप साइज देखेंगे भाई, काफ़ी अच्छा बुक साइज है, देखिए इतना मोटा साइज है, देखिए भाई कितना मोटा साइज है, और भाई 9700 क्वेश्चन ऐसे नहीं मिल जाते भाई, काफ़ी अच्छी इसमें दोस्तों बुक में जो है यहाँ पर अच्छे से दोस्तों इसको बना गया है। 1996 से देखिए ये लिखा हुआ है, 1996 से अब तक के सारे क्वेश्चन इसमें लिखे गए हैं, ये देख लेते अगर आपको नहीं चला रहा है, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से तो 2022 का एडिशन है, ऊपर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो करण की सबसे बेस्ट बुक रहने वाली अगर आप इसे ले लेते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से स्टडी कीजिएगा इस बुक के माध्यम से, मैंने आप सभी को बिल्कुल सब कुछ बता दिया है, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका राइट आंसर कमेंट में लिखिएगा, और जिसको दोस्तों बुक नहीं मिलती है वो बुक ले लीजिएगा, काफ़ी सस्ती बुक पड़ रही है। वैसे इसका जो प्राइस है 495 रुपये है, लेकिन अगर आप मेरे लिंक से परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये बुक आपको 300 से 350 रुपये के समथिंग आपको नजर आ जाएगी, और इतने सारे भाई मोटी बुक, ऐसी मोटी बुक आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बुक है, इससे मोटी बुक दोस्तों कोई नहीं है, ठीक है। सबसे मोटी बुक यही है, मोटी का मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और अच्छे से समझा होगा कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताने की कोशिश की है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर से जरूर परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि यही बुक आप लोगों के लिए रहने वाली है सबसे बेस्ट बुक, ठीक है। तो आई होप आपने इस वीडियो को सही से देखा, तो थैंक यू ऑल फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।